कल से जो यहाँ पर रूमर्स चले कि ऐसे पार्टियों को हम लोग मैंडेट किसी को दिया है हमने, जो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद था। और मैं साफ वाजिया करना चाहता हूँ, हम लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या हमारी पार्टी के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जो देशभक्त रहे, सिस्टम से नाराज रहे। मींस कि हम स्कॉलर्स की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो एक सिस्टम से नाराज रहे और जिन्होंने देश के खिलाफ कोई ऐसी बात ना की हो, जब चाहे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर ऐसे जो लोग हैं कश्मीर के अंदर बजात खुद जिन्होंने किसी भी दायरे में आकर देश के खिलाफ कोई बात नहीं की हुई हो, जनता दल यूनाइटेड एक सेक्युलर पार्टी है, देश में सरकार में है, हम लोग कभी ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते, ना हम मैंडेट देंगे जो संविधान के खिलाफ या देश के खिलाफ जिन्होंने कभी कोई गलत काम किया हो। हाँ, जो लोग नाराज रहे या जिनकी बात नहीं सुनी गई, जीएम शाहीन या मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी ने उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोला है, और मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा रहेगी। जो उथल पुथल चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, ये साबित होगा आपको कि ये आवाम उन लोगों के साथ है, एक नए चेहरे, नए स्कॉलर्स और जो ये सही माने में इस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी किसी पार्टी से कोई कोलिशन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, बिकॉज टाइम कम था। हम लोग ने दो ही कैंडिडेट साउथ में उठा रहे, लेकिन साउथ सेंटर एंड नॉर्थ कश्मीर कैंडिडेट्स सभी जगहों पर होंगे, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं और सही माने में बहुत काम किया है कश्मीर के लिए। हमारी पार्टी में आएंगे तो हम क्यों नहीं दरवाज़ा खोलेंगे, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे जो आपने बात की, और पिछले 4 महीनों से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और मैंने वो हर एक पहल की जिसकी ज़रूरत इस कौम को थी। मैंने उन लोगों को मनाने की कोशिश की तो जहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए जो होगा ज़रूर जी हम शायद सपोर्ट करें। जमात इस्लामिया को देखिए, मुझे तंजीम से का उनका नहीं पता, मैं उनकी तंजीम को हिस्ट्री से जानता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उस ज़माने में कई 40 पार्टियाँ यहाँ पर थी और हर एक पार्टी को देखना वो नहीं, उसमें हम लोग नहीं गए थे। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये लोग जो है उनका सपोर्ट कहीं और था, लेकिन ठीक है, अगर पार्टी के बगैर हमारे पास आते हैं तो मैं वेलकम करूँगा। डोमन है तो इसमें हम लोग क्या मुदाखलत कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जो कोर्ट के फैसले होते हैं तो इसमें हम लोगों का कोई मुदाखलत ही नहीं होता है, तो ना हम कोई बात ही कर सकते। मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बहुत इशारे दिए थे, अभी देखिए बहुत बड़ी लहर बनने वाली है। हम थोड़ा सा लेट हो गए साउथ कश्मीर में, जैसे मैंने कहा बिल्कुल मेरे दरवाजे खुले, मैंने कोई बंद नहीं रखा। पिछली दफ़ा अगर पार्लियामेंट में 60% वोट पड़े हैं तो इस बार यकीन मानिए 99-100% टच करेगा। नहीं, जाहिर सी बात है, जमात इस्लामिया का उठना जो है, जमात इस्लामिया भी अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो इस सिस्टम से नाराज थे, एक दफ़ा आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो कहीं बचती ही नहीं है, तो जगह रहती नहीं है लोगों के लिए। एक साफ बात है, ओपन किताब है मेरी, मैं किसी की वकालत नहीं करता हूँ, कोई हाइड नहीं करता हूँ, और जो सही है वही बता रहा हूँ आपके सामने।